एक और मोदी जी को दुनिया में सम्मान मिल रहा है और कांग्रेस के शाहजादे राहुल बाबा विदेश जाकर देश का अपमान करने का काम। स्वागत है दोस्तों, होम मिनिस्टर अमित शाह जी नारायण महाराष्ट्र दौरे पर गए। यहाँ वो कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, राहुल बाबा यहाँ नहीं बोलते, विदेश में बोलते हैं क्योंकि उनको सुनने वाला यहाँ कम हो गए हैं। एक और मोदी जी को दुनिया में सम्मान मिल रहा है और कांग्रेस के शाहजादे राहुल बाबा विदेश जाकर देश का अपमान करने का काम करते और राहुल बाबा यहाँ नहीं बोलते, विदेश जाकर बोलते हैं। देश में उनको सुनने वाले बहुत कम बच गए हैं, इसलिए वो विदेश जाकर बोलते हैं। अमित शाह ने अपने भाषण में 50 दफा प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर भाषण दिया और 9 साल में बीजेपी सरकार ने क्या क्या उनके काम गिनाए। सोनिया मनमोहन के शासन के बाद जब मोदी सरकार आई तब सभी क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन किया और 9 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, एनडीए की सरकार चली। 9 साल में हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा सकते, हमने पारदर्शी सरकार देने का काम किया। गृह मंत्री ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर भी हमला करते हुए तीखी प्रतिक्रियाएं दी और कहा, मुख्यमंत्री बनने के लिए एनसीपी और कांग्रेस की गोदी में जाकर बैठ गए उद्धव जी। उद्धव ठाकरे ने स्वीकार किया था कि बहुमत एनडीए को मिलता है तो देवेंद्र फडणवीस भाजपा के मुख्यमंत्री होंगे, महाराष्ट्र के। और जब परिणाम आ गया, एनडीए जीत गई, तो उन्होंने वादा तोड़ सत्ता के लिए कांग्रेस एनसीपी की गोदी में बैठ। आप भी अमित शाह जी का भाषण सुनकर अपनी राय हमें बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट करना ना भूले और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।